इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे अपना ट्रे गार्डन जो मैंने बनाया हुआ है। बहुत सारे उसमें प्लांट लगाए हैं, वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये प्लांट है अल्ट्रानेंथ्रा। इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, ये परमानेंट प्लांट है। कटिंग से भी इस समय आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और नर्सरी से लेना चाहते हैं तो ये 10-15 रुपए में या ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए में बहुत आसानी से आपको नर्सरी पे ये मिल जाता है इस टाइम, इस समय बरसात में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा ट्रे गार्डन, और इसको मैंने एक साल पहले बनाया था। तो इसमें मैंने कम से कम भी 10 या 12 प्लांट अलग अलग तरह के लगाए हुए हैं। तो ये पूरा साल जो है इसी तरीके का हरा भरा बना रहता है, और जब जिस फूल का सीज़न आता है तो वो फूल खिलते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं, और जिसके ये देखिए, ये है बेबी सनरोज़। तो बेबी सनरोज़ का इस समय फ्लावरिंग का सीज़न है, तो ये बेबी सनरोज़ में इसमें लगाया हुआ है, और बंडरिंग जू लगाया हुआ है, और ये देखिए एक जो एलोवेरा का प्लांट है छोटा सा लगाया हुआ है, साथ में ये बिंका खिल रहे हैं इस समय। तो जूफोर्बिया मिली लगाया हुआ है, मदर ऑफ थाउजेंट है। तो ट्रे गार्डन में आप इस तरह के ही जो है प्लांट लगा सकते हैं, जो जिनकी जो है रिक्वायरमेंट सेम सेम हो, और साथ में जो है जिनको ज़्यादा कोई पानी नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा मिट्टी की जिनको ज़रूरत हो, थोड़ी मिट्टी में ही जो प्लांट चल जाएँ, उस तरह का प्लांट की आप सिलेक्शन कर सकते हैं ट्रे गार्डन के लिए। तो मैंने इस ट्रे गार्डन में 10-12 तरह के जो प्लांट हैं वो लगाए हुए हैं, और सभी जो है ये देखिए मदर ऑफ थाउजेंट है, बहुत सारे जो लगे हुए हैं। ये मदर ऑफ थाउजेंट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप एक दो प्लांट लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखिए पत्थर चट्टा है, तो ये देखिए कैलांचू है, कैलांचू भी एक दो तरह के मैंने इसमें लगाए हुए हैं। तो जैसा भी जब भी मौसम जो भी हो, इसमें हमेशा जो ये ट्रे गार्डन है हमेशा हरा भरा बना रहता है। और सर्दी होगी तो इसमें कैलांचू के फूल खिलेंगे, और जैसे अभी गर्मी है तो ये बिंका के फूल इसमें खिल रहे हैं, और बंडरिंग जू है, और साथ में जो है बेबी सनरोज़ के फूल इसमें खिल रहे हैं। तो इस तरह के जो प्लांट की सिलेक्शन आप कर सकते हैं ट्रे गार्डन के लिए। और जिसमें मैंने जो ट्रे जिस चीज़ की बनाई है, तो वो है मेरा एक जो थर्मोकोल के बॉक्स होते हैं, तो उससे मैंने जो अपना ट्रे गार्डन बनाया हुआ है। जो थर्माकोल के जो बॉक्स होते हैं ये ना ही आसानी से टूटते हैं, ना ही इनको बारिश में कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही धूप में। और इसकी जो गहराई है कम से कम भी 1 या 1.5 इंच की होगी। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी आई है, और जो मैंने इसमें प्लांट लगाए हुए हैं इनको ना ही ज़्यादा पानी चाहिए, ना ही इनको ज़्यादा जो है जो मिट्टी की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी मिट्टी में भी ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। तो ये देखिए सभी जो है प्लांट मेरे बहुत अच्छे से इसमें चल रहे हैं। तो इस तरीके का आप जो है ट्रे गार्डन बना सकते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे जो है प्लांट लगे हों। और ये देखिए इस तरीके का मैंने थर्माकोल का जो बनाया हुआ है ये ट्रे गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा दूसरा वाला ट्रे गार्डन है जिसमें मैंने जो है दो तरह के प्लांट लगाए हुए हैं, एक तो मदर ऑफ थाउजेंड है, साथ में दूसरा एलोवेरा है। तो आप कोशिश करें कि जो भी ट्रे गार्डन आप बनाएं उसमें इस तरह के ही प्लांट लगाएं, कि जिनकी जो है रिक्वायरमेंट सेम सेम हो, जिनको धूप एक जैसी चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट सेम सेम हो, ना ही ज़्यादा कोई मिट्टी की रिक्वायरमेंट हो ज़्यादा। तो मैंने इसी तरह के ही प्लांट सिलेक्शन की है, कि मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं उनकी जो है रिक्वायरमेंट सेम सेम है। तो आपका जो ट्रे गार्डन है बहुत सक्सेसफुली चलता है, और मेरे भी जो ये ट्रे गार्डन है 1-1.5 साल पुराने हैं, तो बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। गर्मी आती है तो गर्मी वाले फूल खिलते हैं, सर्दी आएगी तो सर्दी वाले इसमें फूल खिलेंगे। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, और एक छोटी सी जगह में जो है बहुत सारे आप प्लांट एक साथ लगा के अपना एक छोटा सा ट्रे गार्डन को एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।